अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम क्रिस्पी चिकन बाइट्स, वो भी बिल्कुल बाजार के टेस्ट की, बनाने जा रहे हैं, वो भी घर में कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, कम टाइम के साथ और बहुत इजी वे में। इसमें हम आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आप परफेक्ट सी क्रिस्पी बाइट्स घर में बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुक यम्स। क्रिस्पी बाइट्स बनाने के लिए हमने यहाँ लिया चिकन, हमने यहाँ पे उसका चेस्ट पीस लिया, उसके हमने कट लगा लिया उसको, यानी एक एक चेस्ट पीस के हमने 3-3 पीसेस कर लिए इस तरह, यानी इसका आप देख लीजिए। और साथ ही हम लेंगे कुछ स्पाइसेस, इजीली अवेलेबल स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर रहे हैं लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। हमने लिया नमक, मिर्च ली लाल, और साथ ली हल्दी, काली मिर्च ली, और जो है साथ हमने लिया है लहसुन पाउडर। ये सब हमने 1 टेबल स्पून ईच लिया है और हमने साथ लिया है सिरका। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें इसमें ऐड होती है जो कि आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए हमने इनको इस तरह कट कर लेना है और जितनी आपकी रिक्वायर्ड साइज़ हो, जितना आप चाहते हो उतना रख लीजिए। तकरीबन ये 1 इंच जितना जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। अब हमने इसमें तमाम स्पाइसेस भी ऐड कर दिए हैं। अब आप देखें इनमें से कोई भी स्पाइस ऐसा नहीं है जो कि घर में अवेलेबल ना हो, ये इजीली आम हांडियों में बनती हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें वही ऐड करनी है लेकिन इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है कि आप हैरान रह जाएंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब देखिए हम इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरह से, और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया तो हम इसमें डाल रहे हैं केचप। 2 टेबल स्पून हमने इसके केचप के ऐड किए हैं। अगर आपके पास केचप ना हो तो आप इसमें चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमने एक अंडा इसमें ऐड कर लिया है। जो एग है वो बीट होना चाहिए और अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। 2 आवर्स के लिए फ्रिज में रख देना है और आफ्टर 2 आवर आपको दिखा देते हैं कि इसकी लुक कैसी है। और अब चलते हैं इसकी कोटिंग की जानिब, वो भी हम आपको इजी वे में बताएंगे कि बहुत ही इजी तरीके से। हमने यहाँ पे देखिए मैदा लिया है, ये 1 kg लिया है। साथ ही हम इसके अंदर डाल रहे हैं कोई भी आप चिकन पाउडर डाल लें या जो मैगी वगैरह या नूडल्स के साथ जो मिलते हैं वो आप डाल दें, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है, आप ट्राई करके देखें। और हमने साथ ही इसमें नमक ऐड कर दिया है, नमक 1 टेबल स्पून ऐड किया है। साथ ही आप डाल लीजिए 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और अगर आप चाहें तो आप इसमें लहसुन पाउडर ऐड कर सकते हैं लेकिन हमने यहाँ ऐड नहीं किया। और हमने यहाँ पे डाला कॉर्नफ्लोर भी बहुत अच्छा लगता है। ये तकरीबन हमने 1 कप ऐड किया 1 kg में, यानी कि 200 ग्राम्स। अब हमने क्या करना है, 1 by 1 पीसीस को इसमें डालते जाना है और प्रेस करते जाना है ताकि अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाए। हम लोग ये काम जो है वो फोक की मदद से कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो, अगर आप हाथ यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा इसको प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा नहीं करना प्रेस, क्योंकि ज़्यादा प्रेस करने से भी इसकी लुक अच्छी नहीं आती। इसकी हम डबल कोटिंग करेंगे। उसके लिए ये देखिए इसी का मसाला है, उसमें हमने ठंडा पानी ऐड कर लेना बिल्कुल। अच्छा, पानी बहुत ठंडा होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास ठंडा पानी नहीं है तो आप इसमें बर्फ़ ऐड कर लें। और देखिए अब हमने इसका जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर लगा हुआ था मैदा, वो हमने रिमूव किया और इसको अगेन पानी में डाला सेकेंड कोटिंग के लिए, और इसको इस तरह मिक्स कर लिया। और फिर निकाल के अगेन हमने मैदे की सेकेंड कोटिंग करनी है, बिल्कुल वही सेम प्रोसेस जैसा हमने पहले किया था। और अगेन ये करना, ये एक तो चीज़ें आपने ख्याल रखनी जो टिप एंड ट्रिक्स आपको बताई गई थी कि आपने जो एक्स्ट्रा मैदा है ना उसको आपने रिमूव कर देना है, इसको झाड़ लेना थोड़ा सा, ताकि जो है ना इसका जितना भी मैदा एक्स्ट्रा होगा, यानी जो इसकी कोटिंग एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि मैदे में तो और भी चीज़ें हैं तो हम इसे कोटिंग ही कहेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे क्रम्स आ गए हैं इस पर और बहुत ही क्रंची सा बनता है। अच्छा, आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, उसका भी आपको वे बताते हैं आगे कि आप किस तरह इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और देखिए 1 by 1 ये हमने सारे सेपरेट रख लिए। अब हम इसको करेंगे डीप फ्राई। अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि एक पॉलीथिन बैग लेना है और उसके ऊपर इसको पहले फैला के रख देना है फ्रीज़र पे, यानी आप कोई ट्रे रख लें उसके ऊपर पॉलीथिन बैग रख लें और ये 1 by 1 आप उसमें रखते जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है सेकंड स्टेप के, जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे देन आप इसको किसी भी शॉपर वगैरह में या एयर टाइटनिंग जो बैग्स होते हैं उसमें डाल के रख लें, आप इसको यूज़ कर सकते हैं 3 to 4 months, ठीक है। और अब हम इसको करने जा रहे हैं फ्राई। फ्राई करने के लिए हमने लिया ऑयल हमने तकरीबन 1 kg लिया। फ्लेम आपको दिखा देते हैं, जब ऑयल में थोड़े से बबल्स बनना शुरू हुए तो हमने इसमें ऐड करना शुरू कर दिया अपने क्रिस्पी बाइट्स। और ये देखिए 1 by 1
हम इसमें तमाम बाइट्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। अच्छा, फ्लेम आपने अगर स्टार्ट में थोड़ी नॉर्मल रख ली, यानी कि लो टू मीडियम रख ली, फिर आपने दरमियान में आके थोड़ी सी इसको लो भी कर देना, ताकि इसके अंदर चिकन होता है उसमें पकना होता है। अगर आप इसको हाई फ्लेम में बनाएंगे तो ऊपर तो काफ़ी क्रिस्प आ जाएगा, लेकिन जो है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मेन आपने ये भी माइंड में रखना है कि चिकन है, इसको हमने पकाना है। और देखें अब ये कितना क्रिस्प इसके ऊपर आ गया है, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बच्चे इसको बहुत लाइक करते हैं। आप इसको बना के फ्रीज़ कर लीजिए, यानी विदाउट फ्राई किए आप इसको फ्रीज़ कर लें, और फिर जब कोई गेस्ट आए तो आप उनके सामने पेश कर सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गई। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, ज़रूर बताइए, और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकियम्स। अल्लाह हाफिज़।